हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 7 दिसंबर और आज गुरुवार भी है। तो गाइस, 3 दिन से मौसम यहाँ पे पूरा पानी वाला है। 3 दिन से लगातार पूरा पानी गिर रहा है, पानी अभी भी गिर रहा है और हल्का हल्का पानी गिर रहा है। कल रात से पूरा भयानक पानी गिर रहा था। 3 दिन से ऐसे ही हो रहा था कि पूरा पानी गिर रहा है। कल रात भी जोर से पानी गिरा, आज सुबह में भी जोर से पानी गिरा और अभी भी गिर ही रहा है। हल्का हल्का आप लोग का आवाज़ सुने रहा, सुनाई दे रहा होगा। कितना जोर से तो पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन हल्का हल्का गिर रहा है। तो ऐसे पूरा मौसम बना हुआ है। फिलहाल अभी टाइम भी हो गया है, 10 बज चुका है, फिर भी हम स्वेटर पहने हुए हैं क्योंकि ठंडा पूरा लग रहा है। पानी गिर रहा है ना तो ठंडा लग रहा है उसके चलते। और नवंबर पूरा पार हो गया, लेकिन नवंबर में थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा था। अभी दिसंबर में एक ही बार ये 3 दिन में जो पानी गिरा, इसी में पूरा ठंडा बढ़ जाएगा और गाइस, देखते देखते पूरा साल ख़त्म होने को आ गया, नया साल आ रहा है। तो नया साल में बहुत सारा कुछ मतलब सोच के रखे हैं कि कहाँ पिकनिक जाए। ऐसा तो हम कभी कहीं पिकनिक गए नहीं हैं, लेकिन इस बार सोच रहे थे पिकनिक कहीं जाने का। देखते हैं क्या होता है नया साल पे। नया साल आने तो दो, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो पिकनिक जाने का भी सोच रहे थे। फिलहाल तो अभी हम कहीं जाने का सोच रहे हैं। मतलब जैसे आज 7 तारीख हो गया है, 7 दिसंबर, तो हम 8 या 9 तारीख को कहीं ट्रेन से जाने का सोच रहे थे, क्योंकि हमको घूमने का थोड़ा मन करा था। और गैरेज में मतलब अभी पानी गिर रहा, तो आज गैरेज बंद है, इसलिए हम आज वीडियो भी बना रहे हैं। तो आज गैरेज में हमको पैसा मिलने वाला था, जो जो हम जो काम किए थे तो उस काम का थोड़ा पैसा मिलने वाला था। तो उस पैसे से हम सोचे कि चलो ट्रेन से कहीं घूम के आते हैं। तो हम सोच के रखे हुए हैं कहाँ जाने के लिए। तो अगर जाएंगे तो आप लोगों को बता देंगे हम कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे तो मेरा प्लान है चाकुलिया जाने का, चाकुलिया में थोड़ा घूम के आने का। और मेन टारगेट था मेरा कि ट्रेन में बैठ के जाने का इधर से, क्योंकि हम इधर वाले जगह, इधर वाले में बहुत बार गए हैं ट्रेन से, लेकिन इधर कभी नहीं गए। मतलब हम लोग का जो आगे वाला है, जो इधर आदितपुर होकर जाता है, आदितपुर राहुलकेला, इधर हम बहुत बार गए हैं, लेकिन हम इधर चाकुलिया लाइन में कभी नहीं गए। तो हम सोचे कि इस बार रेल लाइन का तरफ सफ़र करें ट्रेन से। तो इसलिए हम काम भी किए थे और पैसा भी आज मिलने वाला था, लेकिन गैरेज बंद है तो आज पैसा नहीं मिला। खैर, जब भी पैसा मिलेगा तो हम लोग घूम के आएंगे ट्रेन से। ट्रेन से तो घूमना ही है, जाना ही है। तो गाइस, आज का जो है, आज पापा ड्यूटी गए हैं और भैया का आज मेडिकल होने वाला है, तो इसीलिए वो थाना वेरीफिकेशन वाला कागज़ बनाने के लिए गए हैं परसोड़ी थाना पे। फिर वो है नहीं, उनका ड्यूटी छुट्टी है लेकिन है नहीं। तो आज घर में बाइक है, तो आज दिन में बाइक चलाएंगे भाई, मज़ा आएगा आज। और पेहू हम लोग की अंदर में खेल रही है, लाइन कटा हुआ है बारिश के चलते। तो ये देखो गाइस, पीहू को खेल रही है वहाँ पे अकेले। पीहू उसको मम्मी चिल्ला रही है उसको। हाँ देखा, तो गिलास लेके जा रही है पियो अंदर। तो गाइस, लाइन पूरा कटा हुआ है अभी, इसलिए पूरा अंधेरा आ रहा है, कैमरा पे भी ठीक से नहीं आ रहा। उधर तो और अंधेरा है, यहाँ पे तो ये वाला लाइट है, इसीलिए थोड़ा दिख भी रहा है। चार्जर वाला लाइट है, इसीलिए अंदर में चार्जर लाइट नहीं है, तो इसीलिए हल्का यहाँ दिख रहा, नहीं तो पूरा अंधेरा रहता है इधर। तो गाइस देखो, अभी धीरे धीरे करके बारिश में पूरा स्पीड होते जा रहा है, धीरे धीरे करके और जोर जोर से पानी गिर रहा है। तो मैं गाइस बोल रहा था कि चाकुलिया जो हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो चाकुलिया में मेरा घूमने जाने का मकसद पहला तो यह था कि वहाँ पहले ट्रेन से घूमे जाके। ट्रेन में मेरे को बैठने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वहाँ हम जा रहे थे। और वहाँ पर एक ख़ास चीज़ है, वहाँ पर एयरपोर्ट है जो अभी बंद हो गया है। एयरपोर्ट मतलब वहाँ पर लड़ाकू विमान सब जो होता था, जो लड़ाई के लिए जो जहाज सब यूज होता था, वो वाला जहाज पहले उड़ता था वहाँ पे। कम से कम आज से हम बहुत साल पहले का बात कर रहे हैं, जब हम लोग का देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब का हम बात कर रहे हैं। तब वहाँ पे एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी तो बंद हो गया है फिलहाल, तब का हम बात कर रहे हैं गाइस। और वही एयरपोर्ट हमको देखने का मन थोड़ा कर रहा था, पर टाइम नहीं मिलेगा उतना वहाँ पर देखने जाने का, क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूर भी है शायद से। हम चाकुलिया कभी गए नहीं हैं और उसको वहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है, वही दिक्कत है। और ट्रेन से जा रहे हैं तो एक दिन तो रुकना ही पड़ता, पर वहाँ पे कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है,
नहीं तो एक दिन रुक के अच्छा से घूमते पूरा जगह को, पर कोई नहीं है अपना रिश्तेदार वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग को जल्दी भी आना पड़ेगा। सुबह जाएंगे तो शाम का ट्रेन से आना पड़ेगा, तो इसलिए घूमने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, वही एक भी दिक्कत है। और गाइस चाकुलिया फेमस है साबुन के लिए, वहाँ पे साबुन बनता है, बाटी साबुन बनता है वहाँ पे, जो कपड़ा धोने के लिए जो यूज होता है गोरा का साबुन वो वहाँ पे बनता है, और नहाने के लिए भी साबुन वहाँ पे बनता है, और वहाँ पे बहुत सारा और फैक्ट्री है, तो इसीलिए चाकुलिया फेमस है उसके लिए। तो सब अगर मौका मिलेगा तो बाज़ार में जाकर घूमेंगे, देखेंगे बाज़ार को कैसा क्या वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है सब देखेंगे। और एक चीज़ बर्तन वर्तन के लिए भी वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे सस्ता में बोला जाता है कि बर्तन वर्तन मिलता है। पानी आ गया क्या भाई? अच्छा अपना ही पानी आ गया, चलो नहा लेते हैं। ऐसे तो नहाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ठंडा लग रहा है, लेकिन नहाना पड़ेगा, कल भी नहीं नहाते आज नहा लेते हैं, इसीलिए हम बोले नहाना पड़ेगा। तो गाइस चाकुलिया में वही बर्तन वर्तन के लिए फेमस है, वहाँ पे सस्ता में बर्तन मिलता है और बाटी साबुन भी कम दाम में मिलता है। अगर होगा तो घूमेंगे बाज़ार भी, पहले तो फिलहाल जाने का देरी है, कब जाए हम लोग। और जाने के लिए हम और अभिषेक के बड़े पिताजी हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, जो कि मेरा उनका घर। तो कैसे देखो मेरी मम्मी अभी सबको आज बृहस्पतिवार है, आज का मुक्सिर मास है, इसमें पूजा किया जाता है बाहर में, जो साइड दिखाएगा लेकिन बारिश का चलते पूरा बर्बाद, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो गाइस गाइस आज गुरुवार है, इसलिए मम्मी पहले साड़ी पहनी हुई है पूजा करने के लिए, पीहू अल्लाह कर दिया आने के लिए। और पानी गिरा है और उसका मम्मी बोल रही है कि बाहर मत आओ। हाँ ऐसे ही आज के दिन लक्ष्मी माँ बाहर निकली थी घूमने के लिए, तो ऐसे जो मंगला माँ का जैसे कहानी है इसी तरह इस वाला भी कहानी है। तब चंडो रानी के घर में देखती है कि इतना अल्पिना लिखा हुआ है, मैंने पूजा कर रही है बोल के, तो फिर आती है उसका घर में, फिर उसको बोलती है तुम क्या मांग रही हो हम देंगे बोल के। तो बोलती है हम क्या मांगेंगे माँ, हम मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो बोलती है कुछ भी मांगो। तो फिर बोलती है कि हाँ ठीक है, तब मेरा धन दौलत हो तो फिर धन दौलत होता है। पहले तो गाय मांगती थी, धन दौलत मांगती थी, कंगना मांगती सोने का, फिर बोलती कि हमको अमर रहने का वरदान दो। तो लक्ष्मी माँ बोलती है हम उतना तो नहीं दे पाएंगे अमर होने का, लेकिन तुम जितना दिन रहेगी मेरा पूजा करेगी और तेरा चार तो बेटा होगा, मैं ऐसा ही तुमको वरदान दे सकती हूँ बोल के। फिर उसके बाद उसको वरदान देती है और चले जाती है। उसके बाद फिर लक्ष्मी माँ का वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है, जो बहुत लंबा है और हमको तो इतना पता भी नहीं आ रहा है। जो बृहस्पति पूजा भी मैं नहीं जानती हूँ उतना कैसे किया जाता है, बाहर से आरती करके भूसा मैंने अंदर ले जाया जाता है, फिर पूजा किया जाता है, उतना हमको तो नहीं मालूम। लेकिन जैसे मैं रोजाना पूजा करती हूँ उसी तरह पूजा की आज भी मैं, और इतना बारिश में एकदम पीहू का तो बाहर में घूमने का बहुत मन है। उधर देखो जुहार कर दो, जुहार कर दो, नमो कर दो, नमो कर दो, देखो बोलो छत देखो बोलो, पूरा दिन भर दो तीन दिन हो गया पूरा स्वेटर ही पहन के है, टोपी तो लगाने नहीं खोज रही है, मोजा भी पहनने नहीं खोज रही है, खाली घुमाओ हमको मैं घूमने जाऊंगी बस। आप कुछ नहीं, रोक के डरा दे रही है, 3 बजे उठी थी और पोटी की और बुरा रो रही थी पोटी करके, गोदी में लो हमको बोल के। अरे यहाँ बाहर में इतना पानी जमा होता है नीचे, छोड़ दो हमको, हम खेलेंगे और मछली पकड़ेंगे ना पीयू, अरे इसका चिल्लाना। तो गाइस वो देखो बाहर में मम्मी पूजा की है, देखो यहाँ पर अगरबत्ती दिख रहा होगा आप लोग को, अगरबत्ती देखो। तो आप मम्मी आप लोग को लक्ष्मी माँ का भी स्टोरी बता रही शॉर्टकट में, ऐसे तो और लंबा है तो इतना मतलब बहुत लंबा हो चुका था वीडियो, इसलिए मम्मी नहीं बताई, और कभी बता देगी फुर्सत में, आधा तो बता ही दे, खैर हमको भी नहीं पता स्टोरी। तो गाइस अभी तुरंत नहा के निकले हैं और
बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है गाइस। स्वेटर वेटर सब हम निकाल के यहाँ पर रख दिया है, स्वेटर रखा हुआ है। और अभी हम दुकान पर गए हुए थे ये पिलाने के लिए, ये पी नूडल्स और साथ साथ पास्ता भी लगा है। तो पीहू और मेरी मम्मी लोग अभी अंदर में पास्ता ही खा रही है, पास्ता पैकेट वाला लाने के थे गाइस। और लाइट भी आ गया है तो इसीलिए देखो कितना अभी ज़्यादा दिख रहा सब तरफ, लाइट नहीं था कुछ नहीं दिख रहा था। तो चलो अभी अंदर जाते हैं, आप लोग दिखाते हैं पीहू को। ये देखो गाइस पीहू पास्ता खा रहे थे, देखो पास्ता गिरा हुआ वहाँ पे। उसके नाने ही वाले लोग खेल रही है दोनों साथ में। और वहाँ पे यप्पी बन रहा है, देखो गर्मा गर्म पास्ता मतलब ये पी है। उल्टा उल्टा बोल रहा ना चाचू। हो गया हो गया हो गया रे, बोतल बंद है पियो। तो गाइस आज का ब्लॉग ये जगह एड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। 11 बजने वाला है, खाना खाने का टाइम हो गया है। फिलहाल तो अभी यप्पी खाएंगे। तो बाय बाय गाइस।